सब जानते हैं बच्चे का स्कूल एडमिशन करवाना एक मिशन से कम नहीं होता, वो भी आज की तेज रफ्तार की जिंदगी में जो एक रेस बन गई है। देखते हैं ये मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ कि नहीं प्रोजेक्ट एडमिशन में। अगर इम्पोर्टेंट था तो कैलेंडर इनवाइट भेज देती, मैं तुम्हारे लिए 15 मिनट का टाइम स्लॉट ब्लॉक कर लेता। एनीवे आ गई हो, बोलो क्या है। Are you kidding me? Baby? Aditi, हमें सोसाइटी में डिंक्स बुला। डबल इनकम, नो किड्स। हमारा स्टेटस सिंबल है वो। मैं डिंक्स सिस्की, यानी कि सिंगल इनकम सिंगल किड इंडिविजुअल नहीं बनना चाहता। सिस्की बनके सिस्किया लेता रहूंगा सारी जिंदगी। सॉरी पर मुझे भी कोई शौक नहीं है करियर वुमन से डायपर चेंजर बनने का। व्हाट इज सिस्की? लेट मी गेट दिस स्ट्रेट मिस्टर गिल, मैं मैटरनिटी लीव के 2 महीने बाद अपनी जॉब वापस जॉइन करूंगी। 2 महीने? आई नो थोड़ा ज्यादा है बट होपफुली बेबी 2 महीने में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मेरी एक्स बॉस तो डिलीवरी के अगले दिन ही ऑफिस आ गई थी, बता। ज्यादा नहीं कम है, 2 महीने के बाद बच्चे को कौन संभालेगा? What do you mean? तुम संभालो? मैं? तुम्हारे ऑफिस में भी तो पैटर्निटी लीव मिलती है ना, वरना अपनी मॉम को बोलो, वैसे भी उन्हें पोते पोती का बहुत डेस्परेशन है। And how do you know that? कल मुंबई से तुम्हारी बुआ अपने पोते गोलू के साथ जाएगी, तो मैंने मॉम को उन्हें कहते हुए सुना। बहन जी आप बड़े खुश नसीब हो कि अपने पोते गोलू की सुसु में भीगते हो, यहाँ तो भीगने को तरस गए हैं। चाहे दिल्ली की बारिश हो या पोते का सुसु, दोनों ही हमारे नसीब में नहीं है। Exactly. इसी डाउन मार्केट लैंग्वेज कौन यूज करता है? फिर सो एलिस। और फिर बुआ जी ने कुछ नहीं बोला? वो कुछ चुप रहने वाली थी। शी इज लाइक बहन जी आप राहुल और अदिति को शिमला भेज दो, वहां गोलू अपने आप बन जाएगा, जैसे शिमला में कॉन्डम्स पर बैन लगा है। Anyway, Aditi, don't digress. ये बेबी काफी तुर्तु में कब से चढ़ गया है? अभी 2 हफ्ते पहले तो तुम्हारी ऑफिस में प्रमोशन हुई है। Exactly, राहुल। प्रमोशन के बाद मेरी टू-डू लिस्ट पर अगला आइटम बेबी है। टू-डू लिस्ट? हाँ राहुल, शादी, लुई विटों का बैग, यूरो टूर, प्रमोशन, ये सब मेरी टू-डू लिस्ट पर थे। उस पर अगला आइटम बेबी है। तो मुझसे शादी तुम्हारी इस टू-डू लिस्ट पर था? तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी? फीलिंग्स तो टाइम के साथ आ जाती है ना स्वीटहार्ट, डोंट बी सो सेंटिमेंटल। चलो ये बताओ हम बेबी का प्लान कर सकते हैं। मैं तुम्हें कैलेंडर इनवाइट भेज दूंगी, तुम सिर्फ सेक्स के लिए टाइम खाली रखना। हैंग ऑन अदिति, इतनी जल्दी नहीं, पहले बेबी करने का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर ले। डोंट अंडरएस्टिमेट मी मिस्टर गिल, मैं ऐसे ही वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट में सीनियर कंसल्टेंट नहीं हूं। ऑलराइट, सुनते हैं तुम्हारा एनालिसिस। सुनो, नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट है वेट गेन, नो सेक्स फॉर 1 ईयर, स्लीपलेस नाइट्स, मूड स्विंग्स, फिजिकल डिस्कम्फर्ट। और फाइनेंशियल कॉस्ट की एनालिसिस एक मिनट। फाइनेंशियल कॉस्ट की एनालिसिस मैंने इस पर डाल दिए, बच्चे के ग्रेजुएशन तक। वाओ, और बेनिफिट्स? सुनो, सारे फ्रेंड्स और कजिन्स में लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे। बच्चे के फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ दोस्ती करके हम अपना सोशल सर्कल और नेटवर्क बढ़ा सकते हैं।
हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारा बच्चा एक अचीवर हो, वरना सोसाइटी में इंसल्ट हो जाएगी। पर अगर बच्चे में मेरे जीन्स हुए ना, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ऐसे मेरे जीन्स तो बकवास हैं। मैंने ऐसे तो नहीं कहा ना स्वीट हार्ट। आई होप बच्चे को तुम्हारे डिम्पल्स और तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन मिले, पर दिमाग ना मेरे जैसा होना चाहिए। Well, अगर तुमने अपना दिमाग यूज किया होता ना, तो इतना तो कैलकुलेट कर लेती कि हमें बच्चा कंसीव जुलाई 2019 में करना है। What do you mean? अब देखो, अब मई 2019 में है। अगर जुलाई 2019 में बच्चा कंसीव करेंगे, तो वो मार्च 2020 में पैदा हो, और अप्रैल 2023 में उसका स्कूल में एडमिशन कराना हो। और सरकार के मिनिमम एज के रूल के हिसाब से जिस साल एडमिशन हो, उस साल के 31 मार्च तक बच्चा 3 साल का हो जाना चाहिए, और मार्च 2023 में हमारा बच्चा 3 साल का होगा, और अप्रैल 2023 में उसका स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। कोई टाइम वेस्ट नहीं, 100% एफिशिएंसी। अगर अप्रैल 2020 के बाद बच्चा पैदा हुआ, तो उसका स्कूल का एडमिशन 2023 में नहीं हो पाएगा, 2024 तक रुकना पड़ेगा, पूरा साल चला जाएगा। इंप्रेसिव हनी, पर हम बच्चा मार्च 2020 से पहले भी तो प्लान कर सकते हैं ना। अभी ट्राई करें तो जनवरी या फरवरी में हो सकता है। नो वे, इन प्राइवेट स्कूल वालों ने अपर एज लिमिट का रूल भी बना दिया। अगर बच्चा जनवरी 2020 में पैदा हुआ, तो मार्च 2023 में वो 3 साल और 2 महीने का होगा। कहीं अपर एज लिमिट से ऊपर ना निकल जाए, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम। मार्च 2023 में बच्चा 3 साल का हो जाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ जुलाई 1st को ट्राई करते, ताकि वो बच्चा 31 मार्च को पैदा। Wow, that is quite deep thinking, Mr. Banker. Thank you. Best consultant. तो मैं जुलाई में सेक्स के लिए टाइम स्लॉट ब्लॉक कर लेती हूँ। अच्छा, दूसरा मैं सोच रही थी, इसी तरह ट्विन्स प्लान कर सकते हैं क्या? It will be more efficient, you see. टाइम बचेगा। मुझे मैटरनिटी लीव भी एक ही बार लेनी पड़ेगी। I agree, but is that possible? I have read about some techniques and sex positions जिसे twins conceive किए जा सकते हैं। Conception के वक्त try तो कर सकते हैं। पहले practice ना कर ले। You're right. हफ्ते में 3 बार schedule करते हैं, ताकि जुलाई तक technique perfect कर। Sounds good. तो मैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे इवनिंग ब्लॉक कर लेती हूँ अपने स्केड्यूल में। ट्यूसडे और थर्सडे थोड़ा टफ होगा, इस हमारी यूएस हेड ऑफिस से अपडेट कॉल होती है रात को। अरे पर मंडे और फ्राइडे तो हमारी हेड ऑफिस से लेट नाइट कॉल होती है। ओहो, दैट लीव्स अस विद ओनली अ वेंसडे। यू थिंक हम एक सेशन में मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर सकते हैं? आर यू नट्स? सुपरमैन समझ रखा है क्या? तो फिर वीकेंड्स पे करना होगा। Although I confess that yoga and sex on weekends is a bit too much for me. और मैं तो जिम भी जाता हूँ। Think about me. Take extra protein shake on weekends ना? और क्या ऑप्शन है? True. अच्छा anyway, we can try for a girl. Why do you want to choose the child's gender? अरे Chicago Consulting Group का एक global survey आया है। इसमें लिखा है कि 2040 तक 60% कंपनीज की सीईओस औरतें हैं। अगर लड़की हुई तो सीईओ बनने के चांसेस ज्यादा हैं। बात तो सही है, और लड़कियों को स्पेशली जो एशिया से होती है, उन्हें फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी आसानी से मिल जाता है, डाइवर्सिटी कोटा में। तो हमें जुड़वा लड़कियों के लिए एम करना चाहिए। ठीक है, तो हमें गूगल पर जुड़वा लड़कियां कंसीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उस पर रिसर्च करती हूँ। परसों तक तुम्हें एक रिपोर्ट सबमिट कर दूंगी। गुड। अच्छा, ये लड़कियों के पैदा होने के टाइमिंग के अलावा और कुछ करना है? ओ हाँ, वो आजकल एडमिशन के वक्त बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं ना, उसके लिए कोचिंग क्लासेस भी हैं। तुम एक बार कंसीव कर लो, उसके बाद में अप्लाई करो। फर्स्ट टाइम मैच तो थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा? मे बी यू आर राइट।
इस हफ्ते ही फॉर्म मंगवा कर अप्लाई कर देता, इन चीजों में चांस भी ले सकते। गुड गुड, और मैं हमारे इस डिस्कशन की मिनट्स ऑफ मीटिंग टाइप करके तुम्हें मेल कर दूंगी। ब्रॉडली मैं जुड़वा लड़कियां कंसीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उस पर रिसर्च करती हूँ, और तुम इंटरव्यू के एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दो। वेंसडे और वीकेंड्स पे सेक्स प्रैक्टिस, और जुलाई में दे भी कंसीव करेंगे। आर वी गुड? साउंड गुड। Yay! I am feeling so excited now. मुझे ना डेडलाइंस वाले काम बहुत अच्छे लगते हैं। I feel challenged, you see. चलो, now you get back to your work. Let me schedule my workflow for this project. Project Twin Girls. नर्वस लग रहे हो, इतने दिनों से नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। आज 1 जुलाई है, आज फाइनल मैच खेलने के लिए तैयार हो ना। अभी समझ आ रहा है कि कोहली पर कितना प्रेशर होता होगा जब वो बैटिंग करने आता है। हमें आज रात को ही बेटियां कंसीव करनी है, जेंडर नंबर और टाइमिंग, कहीं भी गलती का कोई स्कोप नहीं है। रिलैक्स डैड, अभी हमारे पास आधा घंटा बाकी है। मैंने गूगल पर सुना है कि अगर खाना खाने के 40 मिनट बाद सेक्स करो तो कंसेप्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अच्छा है, डिनर में बटर चिकन और पुदीना परांठा खाने के बाद मुझे गैस्ट्रिक का ब्रेक चाहिए। तुमने आज रात को ही इतना हैवी खाना क्यों मंगवाया? अरे कमाल है, मैंने सोचा तुम्हारा पेट भरा होगा तो सेक्स पर प्रॉपरली फोकस कर पाओगे। बेवकूफ हो तुम, इतना खा लिया कहीं सेक्स के दौरान गलत जगह से गलत चीज ना निकल जाए। Have some class, Rahul. Behave yourself. Shit. Anyway, जब आज रात को हम दोनों लड़कियां कंसीव करेंगे तो वह 31 मार्च को पैदा होगी। उनका जोडियक साइन एरीज होगा। मेरी रिसर्च के हिसाब से एरीज लड़कियों के लिए बेस्ट प्रोफेशन या तो सर्जन है या बिजनेस होगा। पर हम तो अपनी बेटियों को सीईओ बनाना चाहते हैं। अरे स्टूपिड, अपना बिजनेस करेगी तो खुद ब खुद उसकी सीईओ नहीं होगी क्या? वो तो है। अपना बिजनेस करने के लिए उन्हें एमबीए करवाना पड़ेगा। आज रात को कंसेप्शन हो जाए, मैं कल से एमबीए के लिए सेव करना शुरू कर देता हूँ। हमारा वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है ना, उसे बुलाकर लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में डाल दूंगा। हाँ, और जब वो दोनों पैदा होगी तो उसी हफ्ते उनका आधार कार्ड बनवाकर उनका डीमैट अकाउंट खोल देंगे और सारे म्यूचुअल फंड्स उसमें ट्रांसफर कर देंगे। फिर हर महीने पैसे डालते रहेंगे। वैसे भी आजकल सिप, यू नो व्हाट आई मीन राइट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इनके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ गए मार्केट। और एमबीए कहां से करवाएं, यूएस या यूके? ब्रेक्सिट के बाद यूके की हालत तो खराब हो गई होगी, यूएस ही भेज देते हैं। और जब तक वो दोनों बड़ी होगी तब तक ट्रंप भी नहीं रहेगा। ओह, और उनकी शादी का क्या करना है? क्या करना है मतलब? आई मीन उसके लिए भी तो सेव करना शुरू करें, डाउरी है ना उनकी। नो
डाउरी? आर यू क्रेजी राहुल? मैं कुछ लेकर आई थी क्या? 3 पुराने सूटकेसेस और 1 पेट डॉग के साथ पापा ने विदा किया था मुझे, फिर भी मेरी 1 साल की सैलरी तुम्हारी हाउसवाइफ भाभी के लाए हुए सारे दहेज से ज्यादा थी। टाइम्स आर चेंजिंग राहुल, ग्रो अप। हम हमारी बेटियों को इंडिपेंडेंट और एजुकेटेड बनाएंगे। जो लड़का उनसे दहेज मांगेगा वो उन्हें रिजेक्ट करेगी। You're right, Aditi. I'm sorry. It's okay. Anyway, US में MBA के दौरान कहीं उसे किसी कोरे से प्यार हो जाए और वो उसी से शादी कर ले। गिल खानदान में आज तक कभी कोई फॉरेनर नहीं आया। हमारा स्टेटस कितना बढ़ जाएगा ना हमारे सोशल सर्कल में। अरे मेरी जान, सोशल स्टेटस तो मैं ऐसे ही बढ़ा दूंगी जब दोनों का दिल्ली की टॉप स्कूल में एडमिशन कराऊंगी। हम सीधे वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली के एलीट क्लास में घूमेंगे। बस दोनों आज रात को कंसीव हो जाए। अगर दोनों यूएस में सेटल हो गए तो हम भी रिटायरमेंट के बाद वंचित हो जाएं। हो सकता है, पर अगर दोनों अलग अलग शहर में हुई तो, मान लो एक न्यूयॉर्क में और एक सैन फ्रांसिस्को में। कहीं हमारा भी बागबान के अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जैसा हाल ना हो जाए। ये आइडिया भी ड्रॉप कर देते हैं, हम दोनों इंडिया में ही ठीक हैं। ओए, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी हम बच्चों को पॉलिटिक्स में भी डाल सकते हैं ना। क्यों? देखो, अगले 20 साल तक तो बीजेपी पावर में रहेगी। एक अच्छी डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी तो चाहिए ना, वो हमारी बेटियां दे सकती है। सोचो 2055 में उनमें से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए इस देश की। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सिर्फ ऑपोजिशन में आना काफी नहीं है, और भी बहुत सारे स्किल्स चाहिए। हाँ, जानती हूँ, जैसे हिंदुत्व का ज्ञान, जुमलेबाजी, किन चीजों पर चुप रहना है और किन चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलना है, उसका सेंस। पर ये हिंदुत्व छोड़ के बाकी सारी चीजें तो औरतों को पहले से ही आती है। अब देख, अब मैं तुम्हारी माँ की छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा चढ़ा के बोलती हूँ, पर अपनी माँ के बारे में कभी कुछ नेगेटिव कहा नहीं ना। सी, वुमेन आर बोर्न पॉलिटिशियंस। ठीक है, और ये हिंदुत्व? उसकी ट्रेनिंग किसी योगा इंस्ट्रक्टर से ले लेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स को भी एक करियर ऑप्शन कंसिडर कर सकते। अब शुरू करें। ठीक है, Thank you.
राहुल उठो उठो राहुल, 4 बज गए। अदिति, ओह शिट, 4 बज गए। बच्चे कंसीव करने थे, चलो स्टार्ट करें, मुर्दा निकल जाए। नो राहुल, आई कांट डू दिस नाउ, बॉस ने जान ले ली, आई एम वेरी टायर्ड राहुल, और वैसे भी 4 बज गए, हमने मौका मिस कर दिया राहुल। अब हमारी बेटियां अप्रैल 2020 में पैदा होगी और उनका एडमिशन 2023 की जगह 2024 में होगा। हमारी वजह से उनका पूरा साल चला गया राहुल। नहीं देती, अगर साल जाना ही है तो हमारा जाने दो, उनका नहीं जाने देंगे। वो कैसे? हम इस साल अपनी बेटियां कंसीव नहीं करेंगे, अगले साल सेम टाइम मगर कुछ घंटे पहले फिर ट्राई करेंगे जुलाई 1st को। कोई फायदा नहीं हम उन्हें अब कंसीव करें और उनका साल खराब करें, बड़े होके हमें ही गाली देंगी। यू आर राइट, और मैं इस साल एक और प्रमोशन ले लूंगी, हमारी बेटियों की माँ सीनियर कंसल्टेंट से प्रिंसिपल कंसल्टेंट बन जाएगी। वो दोनों जब पैदा होगी तो कितना प्राउड फील करेगी ना। और मैं भी। ओह सो क्यूट, चलो अब 1 घंटा सो जाते हैं। तुम सो, मैं जरा बाथरूम कराता, लगता है बटर चिकन से लूज मोशंस हो गए।